नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं समय इंडिया 24। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा 142 सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर लोकतंत्र बचाओ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि देश की मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आई है और सवाल पूछने पर सांसदों को निलंबित करवा रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि वो जनता की आवाज बनकर सड़क से सदन तक लड़ेंगे, जनता की आवाज बनेंगे। जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार सांसदों और विधायकों की आवाज दबा रही है, उसको लेकर सड़कों पर जाएंगे। वहीं बीजेपी की मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा धान खरीदी का MSP तय करने की जनवरी तक समय सीमा दी है। जीतू पटवारी ने कहा कि यदि 3,100 में धान खरीदी नहीं हुई तो पूरी कांग्रेस सड़क पर दिखेगी। निश्चित रूप से तानाशाही की जा रही है। मुझे लगता है इस बात को हमारे सारे मीडिया के साथियों को भी समझना चाहिए कि जब विपक्ष ही नहीं मजबूत होगा तो सरकार को आईना कौन दिखाएगा लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में। तो विपक्ष की आवाज को दबाना चाह रहे हैं। एक तरफ ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाते हैं और रोज उस तस्वीर के आगे कोरा ढोंग करते हैं उनके नारे लगा करके, लेकिन यदि बाबा साहेब भी यदि इस चीज को ऊपर से देख रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान, यदि बाबा साहेब आज होते तो क्या इस प्रकार का कृत्य हो रहा होता भारत देश में? तो मैं समझता हूँ कोरा तस्वीर लगाकर वोटों की राजनीति नहीं करना चाहिए। यदि बाबा साहेब में विश्वास और आस्था है तो विपक्ष को भी मजबूती से मौका देना चाहिए। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें ये पूरी तरीके से विफल रहेंगे, क्योंकि हम लोग सड़कों पर उतर करके आवाज उठाएंगे यदि ये ऊपर दबाने की कोशिश करेंगे।